हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि फैब्रिक कंडीशनर से जब हम किसी भी कपड़े को धोते हैं तो उसको कैसे साफ़ करते हैं, टोटल बातें मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक कॉटन की साड़ी को ली हूँ, क्योंकि फ्रेंड साड़ी अक्सर पुरानी हो जाती है, इस कारण साड़ी को कैसे साफ़ करना है वो मैं बता रही हूँ। पहले मैंने साड़ी को डिटर्जेंट से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेन वाटर ले रही हूँ, उसमें मैं फैब्रिक कंडीशनर डालूंगी। तो ये फैब्रिक कंडीशनर जो है फ्रेंड, ये आपको मार्केट में ईजिली कहीं भी मिल जाएगा। ये मेरा बड़ा वाला बॉटल है, इसका छोटा पाउच भी आता है जिसे आप मार्केट से ईजिली परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जहाँ चाहो, ग्रॉसरी की दुकान में भी ये मिल जाएगा। इसका छोटा वाला पाउच जो है फ्रेंड, ये 5 से 10 रुपये में मिलेगा और ये कलरफुल होता है। यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, आप चाहो तो नीले कलर का भी ले सकते हो, ग्रीन कलर का भी आता है। और इसको फ्रेंड कपड़े में जब भी धोना है तो ये एक आफ्टर वॉश है, ये कपड़े की चमक को बढ़ाता है, कपड़े के फ्रेगनेंस को बढ़ाता है, कपड़े को नया बनाने में काफ़ी मदद करता है। कपड़े अगर आपके पुराने हो गए तो उसे नया बनाइए और पसीने की बदबू को भी आप इसे दूर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक साड़ी को साफ़ किया है, उसी की क्वांटिटी के अनुसार मैं यहाँ पर ये फैब्रिक कंडीशनर डाली हूँ। तो फ्रेंड इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लीजिए, पानी में अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तभी आपके कपड़े के अंदर तक जाएगा। आप जब भी कपड़े को इसे साफ़ कीजिए तो फ्रेंड सबसे इसे ये आफ्टर वॉश है, इसे आप कपड़े के धोने के बाद ही आप इसे यूज़ कीजिए। और ये पसीने के बदबू को दूर करता है, कपड़े के कलर को बरकरार रखता है और इसके फ्रेगनेंस यानी कि इसकी खुशबू जो है ये बहुत अच्छी आती है, कपड़े की खुशबू बहुत अच्छी आती है। कपड़े के कलर को ये नहीं जाने देता है, कपड़े को कलर को ये अच्छी तरह से बना करके रखता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैंने साड़ी को साफ़ किया, अगले वीडियो में मैं शर्ट और पैंट्स को साफ़ करके दिखाऊँ। थैंक यू सो मच।